यहाँ पर खड़ी है भाई अपनी टाटा पंच, और आज हम टाटा पंच को लेके जाने वाले हैं। कहाँ पे जाने वाले हैं मैं अंदर गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। मौसम देख लो कितना खतरनाक हो रखा है, बारिश का भयंकर वाला मौसम हो रखा है इस टाइम पे। अब हम जाने वाले हैं भाई अपनी टाटा पंच को लेके एक कार रिव्यू पे, और कार रिव्यू कौन करने वाला है, वाहन ऑफिशियल के भाई हैं अपने, तो वो कार रिव्यू करेंगे। मैं उनकी वीडियोस रेगुलर फॉलो करता रहता हूँ, आप भी ज़रूर उनकी वीडियो देखें, गाड़ियों के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं उनका चैनल का लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी, वीडियो का लिंक भी मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करिए, जाके देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। मैं जो जो चीज़ें आपको अपने चैनल में इस टाटा पंच के बारे में नहीं बता पाया हूँ वो मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये भी बताऊँगा कि भाई कुछ एक आध वीडियो मैंने बनाई थी बट वो टाटा वालों ने बोल के मुझसे डिलीट करवा दी थी, तो इसलिए जो है मैं आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज करूँगा। तो चलो आओ, अभी पहले तो भाई दिल्ली का ट्रैफिक जो है पार करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। घड़ी में तकरीबन 10:28 हो रहे हैं भाई, और अपने को जो टाइम लगेगा ना, देख लो 23 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना यहाँ पर आता नहीं है। एंड्रॉइड प्ले फिलहाल मैंने इससे कनेक्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को इसको हाईवे पे तो लेके जाना पड़ता नहीं है, तो एंड्रॉइड प्ले की इतनी मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती नहीं है, इसलिए मैंने कनेक्ट करता नहीं हूँ, ना मैंने आदत डाली एक बार भी कनेक्ट करने की। कोई नहीं, मगर मैं एक बार ना चेक करूँगा घर में बैठ कर आराम से कैसे क्या कनेक्ट करना है क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत मौसम हो रखा है, आ जाएगा भाई मज़ा वीडियो बनवाने में। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जितना खूबसूरत मौसम लग रहा है ना, उतना ही ज्यादा बाहर निकलते ही पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे। तो देखो एसी चला रखा है, 2 पॉइंट पे चला रखा है, फुल पे मजेदार एसी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, गॉगल्स पे भी फॉग जम रही है, अब यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी प्रॉपर फॉग जमी हुई है। मेरे को डिफॉगर में चलाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल रही गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट वही है, बाहर थोड़ी देखो ह्यूमिडिटी का बहुत गंदे वाला मौसम हो रखा है। करते हैं भाई, काम तो काम है, चलते हैं। मगर आप इस वीडियो को ना बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले जो टाटा पंच की वाहन ऑफिशियल के चैनल पे आने वाली है। ये बस वाला ना मेरे पीछे था भाई, लिखा हुआ है मैं लेन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, कृपया बस लेन को फ्री रखें भाई। अरे कौन सा तुम लोग लेन में ड्राइविंग करते हो? अब जैसे मैंने कैमरा उठाया ना तो ये वाकई ही ढंग से चलने लगा है। बट भाई हॉर्न पे हॉर्न दे के ना इसने नाक में दम कर दिया, ऐसी की तैसी कर डाली इसने जो है ना निकालने के चक्कर में बस। और इनको डर तो होता नहीं है कि जो भी स्पीड कैमरेज होंगे इनके चलान कहाँ से हो जाएगा, सरकारी बसेज हैं इनके कोई चलान नहीं होते, ये तो धड़ल्ले से निकालते हैं, हम तो 50 की स्पीड पे चलाएंगे, ये 60, 70, 80 पे भी अपना निकालते चले जाते हैं। पता नहीं इनको किस बात की जल्दी रहती है, क्यों ये भगाने में लगे रहते हैं। अब सामने कैमरेज आ गए हैं और ये अच्छा जी स्लो हो गया, अब पता नहीं भाई कसम से मैंने तो आज पहली बार देखा है कि इस तरीके से ये शांति से चला रहा है। चलो कोई बात नहीं, चला रहा अच्छी बात है। लो भाई मैं तो अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूं, जहां पे अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो ये वाली लोकेशन है और हम वेट कर रहे हैं अपने भाई के लिए। आने दो उनको भी, कोई नहीं यार गाड़ी चालू रहने दो। अब देखो गॉगल्स पे देखो कितनी ज़्यादा फॉग जम गई है, ओहो कुछ पहन के भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो अब अपना थोड़ी देर ना गाड़ी में बैठते हैं। चहचहाट भाई, अलग अलग तरीके के पक्षी भगवान ने कुदरत ने बना रखे हैं, इतनी वैरायटी है ना, आप पूरे जीवन भी गिनोगे ना तब भी पूरी नहीं हो सकती। चलो जी थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट रहने देते हैं। भाई आखिरकार भाई वाहन ऑफिशियल के भाई अपने पास में आ चुके हैं। बढ़िया भाई बढ़िया। तो अपनी टाटा पंच की जो रिव्यू है वो इनके चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे मन में हैं और टाटा वालों ने एक आध वीडियो मेरे से डिलीट करवा दी थी, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्हीं के चैनल पे मिलेंगी।
डिस्क्रिप्शन में मैं इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा, प्लस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। जरूर जाइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे भाई के चैनल को। भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई अभी हम देखते हैं कैसे कुछ ट्रैवलिंग कंटेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चलो ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, गाड़ी को ना यहाँ पे चढ़ा देते हैं और आराम से वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, चालू करते हैं, और बाकी सारी वीडियोस आपको भाई के चैनल पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब अपनी जो टाटा पंच का रिव्यू है भाई के चैनल में, अब वो पूरा हो चुका है, तो जरूर जाकर देखिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर किया है कि टाटा पंच जो उन्होंने परचेज करी है, एक साल से ऊपर जो भी इनकी गाड़ी से कमियां मिली है, जो अच्छाइयां मिली है, ऐसा नहीं खाली कमियां बताई हैं, अच्छाइयां ही बताई हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की सारी कुछ बताई है गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों भाई के चैनल पे जरूर 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 जाके देखें और इनका चैनल भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, बहुत मजा आएगा। आप टाटा पंच की रिव्यू जरूर देखें, गाड़ी तो अच्छी भी है बुरी भी है, देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, क्यों जी, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो चलो आओ आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अब इसके बाद में भाई से हम अलविदा लेंगे, मुझे भैरव मंदिर भी जाना है, तो वहाँ पर भी मैं दर्शन करते हुए चलता हूँ। तो इतने, चलो भाई थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए, आपके भी बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, हमारी वीडियो बनाई इस गाड़ी के साथ में। चलिए चलते हैं, ओके। भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही लाजवाब। अब बारी है भाई दुधिया भैरव बाबा के दर्शन करने की, जो कि बिल्कुल टक्कर पे वहाँ पर है। तो गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी हुई है, चलो आओ गाड़ी तक चलते हैं। थोड़ा कीचड़ हो रखा है पूरे एरिया में ना, अपन जो है ना भाई यहीं पर ही पार्क में ही ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब चलो फटाफट आगे की तरफ चलते हैं और दुधिया भैरव बाबा के दर्शन करके, माता रानी के दर्शन करके फिर अपना घर की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैया रानी के भी दर्शन हो चुके हैं, आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं कुछ एक खास एक जानदार ट्रैवल वीडियो के साथ में। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव। कल हमें भी नहीं पता हम कहाँ पर होंगे, मगर जहाँ पर भी होंगे आपको तो दोस्तों ज़रूर बताएंगे और अपडेट रखेंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़िया सी जगह मैं इस टाइम पे डेस्टिनेशन ढूंढ रहा हूँ। चलिए आइए, आज के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं, जय श्री राम।